50 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी के साथ पोको C55 लेगा एंट्री। 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 5000 mAh की बैटरी के साथ पोको C55 लेगा एंट्री। 10000 के अंदर होगी कीमत। पोको C55 में 6.71 इंच की LCD डिस्प्ले दी जा सकती है, जिसका HD प्लस 1650x720 पिक्सल रेजुलेशन होगा। पोको ने कन्फर्म किया है कि वह जल्द ही भारत में एक किफायती सी सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जिसका नाम पोको C55 होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह एक रिब्रांड रेडमी 12C होगा। बता दें कि पोको ने हाल ही में भारत के साथ कई ग्लोबल मार्केट में पोको X5 और पोको X5 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। अब कंपनी सीरीज में एक और मॉडल शामिल कर सकती है, जिसे पोको X5 GT कहा जाता है। यहां हम आपको पोको के आगामी स्मार्टफोन पोको C55 के बारे में जानकारी देंगे। अगर कीमत की बात की जाए तो पोको C55 की अनुमानित शुरुआती कीमत 10000 रुपये के तहत हो सकती है। हालांकि सही कीमत की जानकारी लॉन्च होने के वक्त ही पता चलेगी। ट्विटर के जरिए पोको ने भारत में पोको C55 के लॉन्च होने को कंफर्म किया है, लेकिन यह फोन जल्दी ही आ रहा है। ट्वीट में स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन या डिजाइन का खुलासा भी नहीं हुआ। हालांकि पहले वाली कई रिपोर्ट से पता चला है एक रिब्रांड रेडमी 12C होगा, जिसे हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था। पोको C55 हाल ही में लॉन्च हुआ है। पोको C50 का नेक्स्ट वर्जन होने की उम्मीद है। यह फोन बेहतर स्पेसिफिकेशन और डिजाइन के साथ एक बजट स्मार्टफोन के तौर पर एंट्री ले सकता है। टिपिस्टर योगेश बरार द्वारा शेयर की गई एक लीक फोटो से साफ होता है कैमरा बार के साथ एक लेडर फिनिश देखने को मिलेगा। ऐसा नजर आ रहा है कि पोको C55 में रियर में डुअल कैमरा सेंसर दिया गया है। इस फोन में सेफ्टी के लिए पीछे की ओर एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। फॉरेस्टेड ग्रीन कलर में है और यह काफी अच्छा लग रहा है। पोको C55 के अनुमानित फीचर और स्पेसिफिकेशन, तो पोको C55 में 6.71 इंच की LCD डिस्प्ले दी जा सकती है, जिसका HD प्लस 1650x720 पिक्सल रेजुलेशन होगा। स्टोरेज की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में 6GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल सकती है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया जा सकता है। बैटरी की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है, जो कि 10W के चार्जर को सपोर्ट करने की उम्मीद है। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो इस फोन में रियर में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। वहीं इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। गाइज, ये पोको के अपकमिंग फोन के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।